अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि बनाने पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरा चैनल माई हाउस गार्डन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचेगी। और देखिएगा मैं किस तरह से ये बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, और आप भी इसी तरह से प्लांट के लिए लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके प्लांट बहुत ही अच्छे चमकदार और शाइनिंगदार पत्ते और उनकी लीव्स बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप देखिए, मैं इनका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ, मैं किस तरह से इसका काम करती हूँ और मेरे प्लांट की जो लीव्स हैं कितनी अच्छी हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले आप देखिए मेरे प्लांट की जो लीव्स हैं, मैं आपको दिखाऊँगी, बाद में मैं इसको बनाने में आपको बताऊँगी किस तरह से आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। देखिए ये मैं इसको लगाती हूँ, तो देखिए आप कितने अच्छे से मैंने प्लांट की ग्रोथ हो रही है और बहुत ही अच्छे शाइनिंगदार लीव्स इसकी लग रही है। और मैं आपको ये बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको कुछ भी भारी काम नहीं लगे। हल्के से हल्का मैं बताती हूँ सभी को। देखिए इसकी लीव्स भी कितनी हो गई, इसके एक फ्लावर की कली भी आ रही है, और मैं देखिएगा यहाँ से भी बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मुझे देखने को मिला। सबसे ज़्यादा मनी प्लांट देखने के लिए। और देखिए इसकी लीव्स इधर को भी इस तरह से जा रही हैं, और एक यहाँ से ये इतने अच्छे से ये इधर को लगी हुई है, काफ़ी अच्छे से इसके लीव्स हैं, ज़्यादा छोटी भी नहीं, बहुत अच्छी हो रही है। और आपको मैं बनाना पील फर्टिलाइजर बनाना दिखाती हूँ। आप देखिएगा इस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसको आपको कट करके दिखा देती हूँ किस तरह से आपको कट करना है और फिर इसको किस तरह से स्टोर करना है। अब तो मैं दिखा देती हूँ कट करके, यहाँ से मैं स्टोर करूँगी और आपको मैं इस पानी में डालना है। छोटे छोटे पीस आपको कर लेने हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पीस डालेंगे तो जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये छिलके जो होते हैं बनाना के, जितने भी ज़्यादा गले हुए होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे, इसलिए मैंने एक दिन के लिए ये ऐसे ही रख दी थी, ताकि ये थोड़े और वैसे हो जाए दागीले से। अब देखिए इस तरह से आप करें, और दो तीन दिन के लिए आप इसको इसी में स्टोर करके रख देना है, और इसके ऊपर एक कपड़े की हेल्प से बंद कर देना है, या फिर इसका जो कैप होता है उसमें एक होल बना दे और इसको ढक दे। और ढकने के बाद आपका ये इस तरह से हो जाएगा, जिस तरह से मैं एक बॉक्स में बनाती हूँ, क्योंकि देखिएगा मैंने इस बॉक्स में काफ़ी दिनों से बना के तैयार कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, और मैं इसको देखिएगा कैसा कलर हो चुका है इसका, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और इसमें अगर आप 1 लीटर पानी में 250 ग्राम ये वाला पानी लेना है आपको, और मिलाकर तब पौधों में डालना है आपको। इससे ये होगा कि आपके पत्ते जो हैं प्लांट के बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शाइनिंगदार लगेंगे, एकदम मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, और अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी प्लांट पे बहुत ही अच्छे से। आपका अगर वो नोबची का प्लांट है, नोबची पे इस कदर ढेरों फूल आएंगे इसे डालने से बहुत ही ज़्यादा। और थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, और वीडियो
को हमेशा पूरा ही देखा करें ताकि आपको एक भी टिप्स नहीं छूट जाए देखने से, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। फिर देखिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए बाय बाय।